स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। तीसरे पार्ट का कुछ एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा। 3 × 10⁻⁶ को लाओ तथा माइनस का 2 × 10⁻⁸ को लाओ कि दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। विद्युत विभव कहाँ शून्य होगा ये हमें याद करना है। तो देखो से समझेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए ये दो बिंदु है जहां पर एक पहला आवेश अट्ठा है क्यू ए बराबर 3 × 10⁻⁶ और दूसरा आवेश जो है वो यहाँ पे रखा है ये क्यू बी, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है जहां पर आवेश रखा है माइनस का 2 × 10⁻⁸। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत विभव दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 15 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.15 मीटर में लिखेंगे। तो ठीक, अब मान लीजिए अगर इस यहाँ पर P बिंदु पर, ये P बिंदु ऐसा है मान लिया जहाँ विभव क्या है? शून्य है। ठीक है, तो इस आवेश इसकी दूरी क्या मान लेते हैं? इस आवेश इसकी दूरी मान लेते हैं कि एक्स है। टोटल दूरी 0.15 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.15 माइनस एक्स। बोलो नहीं क्या? एक कंडीशन तो ये बनती है। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली रेखा तो ये आगे की ओर बढ़ाए तो ये भी तो हो सकती है, या इधर बढ़ा लो। तो मान लीजिए अगर यहाँ जीरो हो तो क्या होगा कंडीशन पी डैश? तो यहाँ जो है इस आवेश से दूरी मान लेते हैं इसकी, इस आवेश से दूरी है इसकी एक्स, ये टोटल दूरी एक्स, ये दूरी कितनी हो जाएगी इस आवेश से? ये हो जाएगी एक्स माइनस 0.15। दो कंडीशन हमने लगा दी, तो पहली कंडीशन से लिख देंगे ए पर विभव और बी पर विभव शून्य होना चाहिए, शून्य कह रहा है और वो पी बिंदु है, तो भाई ए पर विभव के क्यू ए बटा दूरी दूरी एक्स है और प्लस के क्यू बी दूरी 0.15 माइनस एक्स बराबर 0। के कॉमन है, के कॉमन ले लिया, क्यू ए का मान कितना है 3 × 10⁻⁶ माइनस 6 बटे एक्स और माइनस ये सूत्र ये इसमें दे रखा है माइनस 2 है तो 2 × 10⁸ माइनस 8 बटे 0.15 माइनस एक्स और बराबर 0। हाँ जी, और कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो k का मान जो है वो है 9 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶ माइनस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 × x माइनस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 × 10⁻⁶ माइनस 6, 8 में 8 को 8 में 6 कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 बच गया 0.15 माइनस एक्स बराबर 0। ये सब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 3 × x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.02 और 0.15 माइनस एक्स बराबर 0। इसको उधर ले जाओ हो जाएगा 3 × x बराबर 0.02 0.15 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बढ़ो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 15 × 3 = 45 तो आ जाएगा 0.45 माइनस 3x बराबर ये इधर गुणा होगा तो ये आ जाएगा 0.02x। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो 0.45 बराबर 0.02x प्लस 3x तो वही पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और इसके 0.45 बराबर 2x प्लस 300x बटे 100 इसका पॉइंट लगा देंगे ये 100 ये कैंसिल हो गए। ठीक, और इसको सॉल्व कर लो x की वैल्यू कैलकुलेट हो गया जाएगी। और दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे तो दूसरे में क्या आएगा?
एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 0.15 और फिर दोनों का विभव ऐड करके और वैल्यू है कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सॉल्व होकर 9 सेंटीमीटर के आसपास। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट से इस आवेश इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और टोटल दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 9 यहाँ से कितनी, ये 9 है तो ये 6 आ जाएगी। और बाहर वाली जो दूरी आएगी वो आएगी 45 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट कर लेना 45 सेंटीमीटर आएगी। तो बाहर स्थित यहाँ इस आवेश से 45 सेंटीमीटर इससे कितनी बचेगी, तो 15 घटा दो 45 में से, तो उस आवेश से 30 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सवालों को इस तरह सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you so much.